दिन गिनना शुरू कर दो। धरती का कानून बदलने खुश आए हैं कुछ ऐसे कीड़े जो फैलाएंगे जहर, बहाएंगे खून और बदल देंगे इस धरती लोक को पाताल लोक में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, Amazon पे एक सीरीज आई है नई पाताल लोक, और बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और उसके दो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो हैं आज हमारे साथ हैं। जयदीप भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि मैं उनको 2009 से जानता हूँ, और मेरी इनसे जो पहली मुलाकात रही वो एज पोएट रही, और ये ये तो आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी जयदीप जी। मैं इनको पिछले 10-11 साल से जानता हूँ, मुझे ये कभी नहीं पता कि ये अभिशापित नाम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दूसरे हैं अभिषेक, जो कि आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, पर इतने खूबसूरत आदमी और एक्टर होने के अलावा जो है वो कास्टिंग की दुनिया के शाहरुख हैं वो, ठीक है। आप लोगों को कैसा मजा आ रहा है, इस तरह रिस्पॉन्स देख के कैसा लग रहा है? भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यार, सोची नहीं थी इस तरह से कि लोग इस तरह से रिसीव करेंगे। उम्मीद जरूर थी, वो कैसे नहीं, गुलजार साहब के बारे में पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, सही है गलत है, लेकिन मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है सुनने में, कि उनका वो गाना सुपरहिट हुआ जब उन्होंने कजरारे लिखा था, तो किसी ने पूछा गुलजार साहब आपको लगता था कि ये गाना इस साल का, क्योंकि आप जनरली लिखते नहीं हो आइटम सॉन्ग, तो आपको लगता था कि गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा इस साल का, तो गुलजार साहब बोलते हैं कि पता नहीं था पर डर हमेशा बना रहा। साकिब वो दिल गदगद वाली बात बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग ना सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं करते। हाँ, तो हमने कितनी बार पढ़ा होगा दिल गदगद हो गया या ऐसा, तो वो वाली फीलिंग आप खुशी में आ रहा है, खुशी में हालत का मुंह में आ जाना, गदगद होता क्या है असल में, उसका मायना क्या है असल में, एग्जैक्टली। तो अभिषेक मुझे ये समझ में आया कि इसमें ना पुलिस से बड़ा इंटरेक्शन है शो में, तो कोई असली में आप मिले कभी कभी, पकड़े गए कुछ हुआ कोई इंसिडेंट? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पकड़ा गया हूँ, मैं माथेरन में पकड़ा गया हूँ, इनफैक्ट माथेरन में हुआ था ये चार पाँच साल पहले की बात है। और वहाँ पे ये हुआ कि मेरे दोस्त जो थे वो लोग एक अच्छे रिजॉर्ट में रह रहे थे, और वहाँ पे स्विमिंग पूल था, और वहाँ पे जो है हमें रूम मिला नहीं और पैसे थे भी नहीं मेरे पास वहाँ बुक करने के, तो मैंने ऐसी दूसरा एक भी जगह पे बुक करवाया, ठीक। और हमने सोचा कि वहाँ जाके जो है अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अब लेकिन जब रात को पहुंचे तो पता नहीं क्या हुआ, जो वहाँ का होटल का जो पूरा स्टाफ था उनसे हमारी लड़ाई हो गई। अब यहाँ पे थे सारे दिल्ली वाले, वही दिल्ली का कनेक्शन ही है ना, वही वाली बात है कि अब सारे दिल्ली वाले थे, अब वो दिल्ली से एंजॉय करने आए थे माथेरन, अब वहाँ पे जो है छूटते ही गाली नहीं देनी है या छूटते ही रैपट नहीं रखना है, पहले बात करना होता है, पहले आप मिस्टर मिस जो भी है वो बात करके फिर आगे होता है, मतलब सीधा हाँ भाई आप बात। चक्कर के उसमें से एक जो दोस्त था ना उसके रिश्ते में बहुत बड़े पुलिस कोई अधिकारी थे जो बहुत आईजी में पता नहीं क्यों डायरेक्टली आप बस ये मैं आपकी जान पहचान तो है नहीं, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, हम तो चौड़ में जाकर बचा के वो बचा लेगा। अब हो ये रहा था कि रात के बज चुके थे 1:30, अब फोन मिल नहीं रहा अंकल का, अंकल का फोन मिल नहीं रहा है, कल संडे है, और इन्होंने बोला कि पंचनामा करके जेल में रखेंगे, मंडे को पेशी होगी। उसके बाद जो ये चार पांच लड़के जो एकदम दबंग बने हुए थे, जो बिनतियां मांगी हैं, जो हमने पुलिस वाले अंकल को बोला, कह रहे अंकल घर में we are from good family, you can check my background, अंग्रेजी आ गई भैया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, हिंदी हिंदी कुछ नहीं, कहता भाई साहब जाने दो। और उसमें से ना एक पुलिस वाले ने मुझे कहा भी था, एक पुलिस वाले ने मुझे कहा भी बीच में हल्के से कि देख हम तेरे साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मैंने बोला सर कहा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तभी तक मारे थे उसके।
तो जय भाई, आपके साथ कुछ हुआ है पुलिस का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप पकड़े गए हो? हाँ, मेरे साथ हुआ न्यूयॉर्क पुलिस के साथ। अच्छा। हम विश्वरूपम शूट कर रहे थे कमल हसन सर के साथ। तो भाई वहां एक ब्रिज है न्यू जर्सी और जो मैनहट्टन को जोड़ता है बेसिकली, तो उस ब्रिज के ऊपर जस्ट ब्रिज शुरू होते ही उससे पहले एक टोल नाका होता है इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो हमारी तीन गाड़ियां बड़ी वो जो है होती है ना बड़ी ब्लैक एसयूवी टाइप, आई आगे प्रोडक्शन की गाड़ी चल रही, पीछे वाली गाड़ी में जो आर टीम बैठी है या जो एडी टीम बैठी है वो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, राहुल बोस मेरे बगल में बैठे हुए हैं, कमल सर बैठे हुए हैं पीछे और कैमरा रखा हुआ, मतलब वो बंदूक टाइप लग रहा है ना, ऐसा तोप की तरह मुंह लग रहा है, और अंदर ही पीछे साउंड वाला बैठा हुआ। तो भाई उन तीनों वो जो सामने प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन था उनको उन्होंने पैसे दिए और तीनों गाड़ियां ब्रिज पे चल रही हैं। अब उन्होंने क्या कि एक टॉकी सीन था तो उन्होंने सोचा कि चलो यार थोड़ा स्लो कर लेते हैं ताकि पूरा हो जाए ब्रिज के ऊपर ही पूरा सीन पूरा हो जाए। भाई हमने कर दिया, कमल सर को लगा कि यार एक और लेते हैं, तो घूम के जैसे ही तीसरी बार आए, जैसे ही गाड़ी पहुंची वहां पता नहीं कहां से 10-15 पुलिस की गाड़ियां, वो जो एकदम फिल्मी सीन, प्रॉपर फिल्मी सीन, वो भाई उन्होंने मैंने कहा भाई साहब आज गए। और भाई मेरा तो पूरी जितनी जिंदगी में जितनी अंग्रेजी फिल्में देखी सबके सब याद आ गए ना, मतलब सबसे पहले तो हाथ रखे ऐसे हाँ, एकदम आदमी होता ना कि बस भगवान गोली मत मार देना, हराम करो बाकी सब जो है बाद में पूछते रहे ना बाद में क्या है। तो भाई साहब कमल सर ने उनको बताया समझाया कैसे, तो एक बंदा आया 15-20 मिनट जो हमने झेला है वहां, मतलब ऐसे खड़े हो गए कि आज बस ये किसी तरह छोड़ दे, और भाई एकदम फिल्मी सीन, उन्होंने फिर हमारे पासपोर्ट लिए, सबका चेकिंग किया, 15-20 मिनट बाद उन्होंने वार्निंग के साथ छोड़ा कि डोंट इवन कम बैक, डोंट इवन थिंक टू कम बैक ऑन दिस। इतना हरामी दिमाग, इतना हराम, जब उससे निकल गए ना तो आपको लगा चलो बच गए, बाद में ऐसा लग रहा है कि एक होता ना गंदा थॉट आता आपके दिमाग में वैश्यपन का, आपको लगता है कि यार पकड़े जाते तो ना मजा आता, मतलब सोचो इंडिया में कितना फेमस होता है कि जयदीप अहलावत कमल हसन सर के साथ जेल में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मम्मा ने मैंने सोचा क्या गंदा थॉट लेके आ रहा है आपको। इस शो की जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि हर कैरेक्टर का अपना एक जर्नी है, उसके अपनी स्टार्ट मिडिल और एंड है उसका। एक जो बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है बात, वो ये कि, और एक डिस्कोर्स जिस पे मैं बहुत अक्सर बात करा करता हूँ, वो है कि बाप बेटे का रिश्ता जो है, एक किसी भी कैरेक्टर का उसके फादर का इम्पैक्ट होता किसी भी कैरेक्टर पे, उसके बारे में बड़ी बात की गई। सॉरी मैं क्या शो देखा और मैं बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है तो इसलिए हुआ कि जो उसके पापा का बिहेवियर था वो कोशिश करता था कि मेरा ना हो, है ना, और वाइफ जो है वो कंटिन्यूसली अक्यूज कर रही कि तुम हो बिल्कुल वैसे, कह रहा नहीं यार मैं नहीं वैसा, डैडी जी पे गए, हाँ डैडी जी पे गए। तो वो कैसा है, उसकी क्या बारीकी है और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे आपके पिताजी के साथ, वो अगर आप बताएंगे तो हमको सब अच्छा। फादर्स के अंदर जो पेन लेने की जो क्षमता है उसके बारे में शायद ये बड़ा एक सुंदर किस्सा है जो मेरे साथ हुआ। मेरे पिताजी मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला बच्चन हमेशा वैसे देखते हो लेकिन टफ आदमी, अब उनके भी पिताजी वो कुछ 95-96 के थे, और मेरी और टीना की शादी एक साल, मतलब जो मेरी धर्मपत्नी है उनकी शादी एक साल टल गई थी, क्योंकि जो होता है परिवार में थोड़ा एक धर्म, वो क्रिश्चियन है मैं ब्राह्मण बंगाली हूँ, तो एक साल जो है बड़ा वो टला रहा, पापा काफी ज्यादा मतलब अगेंस्ट थे उस शादी को, तो पापा फाइनली मान गए ठीक है। दिसंबर में शादी तय हुई, मतलब एक साल बाद जो डेट थी उसी के एक साल बाद एक और डेट हमने ली और वो एक दिसंबर में शादी तय हुई। 10 दिन या 12 दिन थे शादी को और मेरे चाचा जी का फोन आया और उन्होंने बोला कि सब खत्म हो गया, दादाजी गुजर गए। अब मैं अपने पिताजी को फोन कैसे करूं, मतलब उनको फोन करना मुझे ऐसा लगा कि मतलब अभी उनको मुझे फोन करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, तो मैंने उनको फोन किया और मेरे पापा ऑफिस में थे और बड़ी कोल्ड ब्लडेड उन्होंने कहा हाँ, मतलब मैंने हेलो बोला, उन्होंने बोला हाँ पंडित से बात हो गई है, कुछ पूजा कराना होगा, एक दो दिन के बाद हो जाएगी शादी, टेंशन मत लेना ठीक है, ओके रखता हूँ, और उन्होंने फोन कर। पिताओं की ना पता ये आदत है कि वो कोशिश करेंगे कि वो जो पेन है ना बेटे का वो उसके थ्रू ना निकले, मेरे थ्रू निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब दिल्ली रहने लगा उस टाइम पे ना बहुत लड़ाई हो रही थी घर पे कि वापस आ जा, मैं कहा नहीं आना है, वापस आ जा नहीं आना, ये सब हो रहा है। मैं ईद पे गया एक बार और
क्या हुआ कि पापा ना, पापा को शायरी लिखते नहीं हो, पर उनको जो भी उनको अच्छे शेर लगते हैं, कहीं भी कुछ पसंद आता है तो लिख लेते हैं अपनी डायरी। तो मैं क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा लिखना लिखना शुरू किया ही था, ये वो, तो पापा ने बोला कि यार ये डायरी देख ले, इसमें से तुझे कुछ पसंद आ रहा है तू लिखने लगा आजकल, मैंने सुना देख तेरे को कुछ पसंद आता है तो मेरे कलेक्शन है, ये मेरा कलेक्शन है शायरी का। अच्छा। मैं बोला यार पापा को क्या ही समझ है, मतलब हाँ हम यहाँ पढ़ रहे हैं फैज अहमद फैज को और इसको, पापा क्या पढ़ रहे हैं वो वाला होता ना, एक बड़े बेटे का और एक बाप का एक अपना एक टेंशन रहता है। मैंने पढ़ा और मैं नीचे घर में आया और ये वाली बातें चल रही कि चेन गिरवी रख दो, क्योंकि एक लड़का पुणे चला गया और एक जो है दिल्ली चला गया है, तो घर में पैसों की तंगी आ रही है। और मेरे को वो हुआ कि यार क्या क्या बच, मतलब इस घर अभी अंदर जाऊंगा तो ये कॉन्वर्सेशन में फिर हाँ हाँ नहीं नहीं गलत है सही है बोलना पड़ेगा। तो मैं चुपचाप कन्नी काट के मैं ऊपर आ गया, अपने कमरे में आया और मैं डायरी में ही बिस्तर पड़ी थी, मैंने खोल के देखी और उसमें जो पहला शेर मैंने पढ़ा मेरी रूह उतर गई जिसमें से। उसमें लिखा था कि मुझे नहीं मालूम किस शायर का शेर है, पर वो शेर था कुछ ऐसे कि ज़रूरतों का पहाड़ मुझे थकने नहीं देता, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और वो बात, वो नीचे जो मैंने कॉन्वर्सेशन इग्नोर करी और वो जो ऊपर जो मैंने शेर पढ़ा, वो दोनों होता ना कि कई बार किसी चीज़ की टाइमिंग बैठ जाती, टाइमिंग बहुत खतरा है उस दिन। और मुझे उसके बाद अपनी बेरोजगारी पे इतना तरस आने लगा कि यार कैसे मैं साथ क्या कर दूं कि मैं इन लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दे दूं, कैसे मैं, क्या जल्दी से कुछ हो सकता है, क्या क्या किडनी बेच दूं वो। ये अभिषेक भाई ये बताइए कि अभी जो है आप इतना काम पसंद कर रहे हैं सब लोग, आपका इतना रेगुलरली आप फिल्मों में आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे सेटल हो गए, पापा से कभी कोई अप्रूवल मिला, कुछ कहा उन्होंने? स्त्री फिल्म आई है, ठीक है। अब मेरे पापा गए खड़गपुर, मतलब खड़गपुर में रहते हैं, वहाँ पे जो है बी सेंटर है वो, तो वहाँ पे जो है फिल्म रिलीज हुई। अब पापा ने मुझे बिना बताया, मुझे पता नहीं था, उन्होंने कुछ खड़गपुर, मतलब आप समझ लो कि कुछ 30% पॉपुलेशन को ना उन्होंने अपने जेब से दिखा दी, 30%, और उन्होंने खुद अकेले दिखा दी। दिखा के मुझे फाइनली पापा ने फोन किया और बोला कि हाँ फिल्म बहुत अच्छी है, हाँ अच्छा है, सबने अच्छा किया, राजकुमार को बोला कि उसने बहुत अच्छा किया ये वो, और मुझे बोला कि हाँ तो कुछ और भी करो, ये तो हो गया, कुछ और भी करो। सेम की सेम हरकतें हैं, चाहे फिर वो वासीपुर आई हो, चाहे फिर कमांडो आई हो, चाहे फिर अभी रांची में, तो मतलब बहुत सारा कुछ हो गया था भगवान की दया से। मैंने उनको, अब क्या हो रहा है सब जगह हो रहा है, हरियाणा में वो रांची जब रिलीज हुई तो थिएटर भरा हुआ था, और मेरे डैड, ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ सेल्फी पर मतलब लोगों को फोटो वोटो देने लगे थे, क्या किसी ने गाँव के ही 25-50 लोग थे, उन्होंने बता दिया कि ये जो है ये जयदीप अलाउत के पापा है, तो और मम्मी पापा दोनों गए हुए थे शायद, तो ये भाई फोटो वोटो देके आए तो बड़ा आराम से, और उसमें भी एक्चुअली सख्त लौंडे ना हमारे बाप हैं, एक सेकंड के लिए नहीं बोलेंगे कि यार बाप बहुत अच्छा लगा, हाँ आज मिले थे वहाँ कुछ लोग, अच्छा होता ना कि हाँ इसमें भी रोक के रखा हुआ अपने आप को, तो बहन को बता रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, आप मुझे फोन करके नहीं बोला, तो रात को बहन बता रहे थे फोन करके भाई आज ऐसा ऐसा हुआ, बड़ी बहन है वो भी, पापा वो ये तो बड़ा खुश थे, फोन ही नहीं किया मेरे बाप मतलब फोन ही नहीं किया कि अच्छा हम फिल्म देखने भी गए थे या ऐसा कुछ, नहीं नहीं ये ही नहीं बताया कि हम फिल्म देखने गए थे। तो अगले दिन मैंने फोन किया, मैं पापा देखा है फिल्म, लिखा बेटा देखे, बाकी सारा क्या, बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया, हाँ चलो फिर अगला काम देखो ही वा अरे खतरनाक ना, कैसी बात है ना। तो भाई आप लोगों को दोनों को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद शो की सक्सेस के लिए। हमने वैसे वीडियो, हम 3 दिन से ये इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दोनों जो स्टार कलाकार हैं वो हमारे बहुत प्यारे भाई होने के अलावा बहुत बिजी और इम्पोर्टेंट लोग भी हैं। थैंक यू यार जाकिर, नहीं मतलब वही बात है, बहुत मजा आता है भाई तेरे साथ जब भी कुछ बात होती थी अपने वाले, तो पर ये मैं हमेशा चाहता था कि ये ऑफिशियल भी होना चाहिए कि हाँ ना आया ना, वो वही बात है ना, मैं अपने जितने फेवरेट एक्टर से सब इसके शो पे आ चुके थे, वो वैसा वाला कि लास्ट इरफान साहब भी आ गए थे, तो अब ये था कि यार इस कड़ी में थोड़ा सा हम भी एक बार शामिल जी, तो जी। और मुझे कह पाएंगे कि जाकिर के शो पे थे, मुझे बात करना, लाइक द वे यू टॉक, जैसे आप बात करते हैं, मुझे आई थिंक वही है, मेरे लिए मेन वही था, बहुत बहुत दिल से बात करते हैं।
ऑन दैट नोट सब लोग जो है पाताल लोक जरूर देखें, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो सब्सक्राइब करें। जब है बोलिए जरा प्लीज प्लीज क्या बताओ। अरे गिर मत जाना। यस हथौड़ा से जो है हथौड़ा मारेगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, और आप प्लीज जाके पाताल लोक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छे से आराम से टाइम लगा के देख। वाह माशाल्लाह जी। और सवाल उठाओ क्योंकि आई थिंक शुरू में बिल्कुल सवाल अपने अंदर। और दोनों जो है अभिषेक भाई का और जय भाई का जो है मैंने इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जरूर इन्हें फॉलो करें, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को। अरे हाँ थैंक यू राकेश भाई जान। थैंक यू चलिए शब्बा खैर अल्लाह हाफिज़।